एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड एंड यू माइनस वी इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस ई की पावर माइनस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई. फाइंड एफ जेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन एफ ऑफ पाई बाई टू इक्वल टू ज़ीरो. अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं और इसका सॉल्यूशन के लिए हम माइल्स मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी एंड देयरफॉर आयोटा इनटू एफ जेड इज इक्वल टू आयोटा से गुणा कर दो आयोटा यू और ये आयोटा स्क्वायर हो गया माइनस वी. इन दोनों को ऐड कर लिया तो वन प्लस आयोटा एफ जेड इक्वल टू ऐड करेंगे तो ये यू माइनस वी प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन तो यू प्लस वी. इसको नाम दे दिया हमने कैपिटल यू प्लस आयोटा कैपिटल वी. सो दिस इम्प्लाइज कैपिटल एफ जेड इक्वल टू वन प्लस आयोटा एफ जेड, यानी इसको पूरे को नाम दे दिया हमने कैपिटल एफ जेड. तो ये कैपिटल एफ जेड इक्वल टू वन प्लस आयोटा एफ जेड और इसको नाम दिया हमने कैपिटल यू प्लस आयोटा वी, वेयर कैपिटल यू इज इक्वल टू यू माइनस वी जो कि हमारे को नॉन है. और कैपिटल वी अगर हम और पता लगा लें तो यहाँ पर हम आसानी से यू प्लस आयोटा वी से कैपिटल एफ जेड ज्ञात कर लेंगे. तो ये मेथड बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन हमने यहाँ थोड़ी सी तरकीब यूज करके, क्योंकि हमको यू माइनस वी दिया हुआ है सवाल के अंदर, इसलिए हमने इसको यू में सेट कर लिया है. सो यू माइनस वी अर्थात कैपिटल यू इज़ गिवन और वी हमको निकालना है, और जो छोटा एफ जेड है यू प्लस आयोटा वी ये हमारे पास में कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है, इसलिए कैपिटल एफ जेड भी एनालिटिक फंक्शन होगा. ये हमको सवाल में दिया हुआ है कि स्मॉल एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड. सो एफ जेड एनालिटिक है तो वन प्लस आयोटा इज कॉन्स्टेंट से इसको गुणा करेंगे तो कैपिटल एफ जेड भी एनालिटिक हो गया. और जब कैपिटल एफ जेड एनालिटिक हो गया और यू इज गिवन तो वी कैन बी फाउंड. तो यू हमको दिया हुआ है तो यू और वी कैसे हो गए, पर्यायसंवादी हो गए, क्योंकि ये फंक्शन एनालिटिक है. तो जो अपने पास माइल्स मेथड है उससे हम क्या करेंगे, यू इज गिवन और वी हमको निकालना है. और यू क्या है, यू माइनस वी जो कि हमको सवाल में दिया हुआ है ऊपर से, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई. अब हम यहाँ पर इस यू के ऊपर माइल्स मेथड लगाएंगे और कैपिटल वी ज्ञात करेंगे ये वाला. सो माइल्स मेथड के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स ये हो गया आपका यू अपॉन वी का फार्मूला. यू अपॉन वी का फार्मूला में ये नीचे तो इसका स्क्वायर आ गया और नीचे वाली टर्म एज इट इज और ऊपर वाली का डिफरेंशिएशन, तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और क्योंकि ये पार्शियल है तो ई रेस टू वाई का जीरो हो गया, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज और नीचे वाली का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष, तो इसका हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस टू साइन एक्स और इन दोनों का हो गया ज़ीरो, है ना. और इसको अब अपन सॉल्व करेंगे. अब ये माइनस टू साइन एक्स इसको अपन अंदर गुणा कर देते हैं इससे, ये इसके अंदर, और ये वाला गुणा होगा इससे. तो माइनस साइन एक्स इससे गुणा किया तो माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर वाई साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस वाई साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस. अब कॉस एक्स गुणा होगा तो टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ई की पावर वाई कॉस एक्स माइनस ई की पावर माइनस वाई कॉस एक्स. ये माइनस टू साइन एक्स इससे गुणा होगा, सारे से बाहर माइनस है यानी केवल टू साइन एक्स से गुणा कर देते हैं. टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स
माइनस ई की पावर माइनस वाई इंटू टू साइन एक्स, ये हो गया अपने पास फाई वन ऑफ एक्स वाई। और माइल्स मेथड में अपने को फाई वन ऑफ जेड जीरो की ज़रूरत होती है, तो क्यों नहीं हम इसको पहले ही जेड जीरो निकाल लें, ताकि एक्स वाले पहले ही जीरो हो जाएंगे तो अपना हल्का हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे पहले, और यहीं पे फाई वन जेड जीरो निकाल लेते हैं, तो ये सवाल थोड़ा इजी हो जाएगा आपको। और ये टू साइन एक्स से टू साइन एक्स कॉस एक्स दोनों ये कट गए प्लस माइनस। अब एक्स की जगह जेड रख दो, वाई की जगह जीरो रख दो, तो साइन जेड ये हो गया साइन जेड प्लस का, ये तो वन हो गया, और प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस जेड, कॉस स्क्वायर जेड माइनस कॉस जेड, ये माइनस कॉस जेड प्लस टू साइन स्क्वायर जेड माइनस साइन जेड, तो ई रेस टू वाई वाले सब ई रेस टू जीरो होने की वजह से वन बन गए। अब ये माइनस टू साइन जेड से ये टू साइन जेड ये भी कट गए, अब रह गया आपके पास में ये एक तो टू कॉस स्क्वायर जेड प्लस टू साइन स्क्वायर जेड दैट इज टू, और ये माइनस का टू कॉस जेड, और नीचे अपने पास में वो का वही करेंगे एक्स की जगह जेड, तो टू कॉस जेड ये दोनों वन हो गए, माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गया नीचे, तो टू कॉस जेड माइनस टू का होल स्क्वायर। और यहाँ से टू कॉमन और नीचे से भी टू कॉमन, तो ऊपर से जैसे ही टू कॉमन लिया तो वन माइनस कॉस जेड, या हम यूँ करें दोनों में से एक हटा देते हैं पहले ही, और नीचे से टू कॉमन ले तो टू इंटू वन माइनस कॉस जेड, और ऐसा कैसे ही अब क्या करते हैं ये निकालते हैं डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई कैपिटल का। सो डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, जैसे ऊपर अपन ने एक्स के सापेक्ष किया था अब हम वाई के सापेक्ष करेंगे, तो ये अपने पास में आ गया और ये हो गया फाई टू ऑफ एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे, फाई टू एक्स वाई आ गया, इससे फाई टू जेड जीरो निकाल लो पहले ही, ठीक है ना, तो एक्स की जगह जेड रखेंगे वाई की जगह ज़ीरो, सो टू कॉस जेड माइनस वन माइनस वन, ऐसे कैसे माइनस कॉस जेड प्लस साइन जेड माइनस वन, और ये हो गया माइनस वन प्लस वन अपॉन टू कॉस जेड माइनस वन माइनस वन। अब देखो इसको फाई टू जेड जीरो अगर पहले रख रहे हैं तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये अपने पास में माइनस वन प्लस वन आ गया, ये तो ज़ीरो हो गया, ये सारी टर्म ख़त्म हो गई, और ये बिल्कुल छोटा सा हो गया टू कॉस जेड माइनस टू, और ये नीचे टू कॉस जेड माइनस टू का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल इजी हो गया सवाल, सारी कैलकुलेशन इसमें कम हो गई अपने पास। अब ये एक वाली टर्म ऊपर नीचे होल स्क्वायर है तो कट गया, तो नीचे भी एक दो कॉमन निकाल लेते हैं, तो टू इंटू कॉस जेड माइनस वन। सो हमारे पास में फाइव टू जेड जीरो आ गया और फाइव वन जेड जीरो आ गया, एंड देयर फोर कैपिटल एफ डैश जेड है ना, सो कैपिटल एफ डैश जेड इज इक्वल टू फाइव वन जेड जीरो माइनस आयोटा फाइव टू जेड जीरो, ये उतार देते हैं यहाँ से, फाइव वन जेड जीरो, फाइव वन जेड जीरो एक्स वाला है ये, वन अपॉन टू वन माइनस कॉस जेड, वन माइनस कॉस जेड इधर लिख दिया इसको, और माइनस आयोटा इंटू फाई टू जेड जीरो, ये फाई टू जेड जीरो वाली वैल्यू वन अपॉन टू कॉस जेड माइनस वन। अब वन माइनस कॉस जेड दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो ऊपर हो गया वन प्लस आयोटा और नीचे हो गया टू इंटू वन माइनस कॉस जेड, इसको हाफ एंगल में चेंज कर दिया, टू कॉस स्क्वायर वन माइनस कॉस जेड इक्वल टू टू साइन स्क्वायर जेड बाई टू, ये ऊपर चला गया तो कॉसिक स्क्वायर जेड बाई टू, वन प्लस आयोटा और नीचे टू और टू इसका फोर हो गया। तो ये जो चीज़ आई है हमारे पास में कैपिटल एफ डैश जेड आई, और कैपिटल एफ डैश जेड को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा कैपिटल एफ जेड, सो कैपिटल एफ जेड इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन वन प्लस आयोटा अपॉन फोर एज इट इज, और कॉसिक स्क्वायर जेड बाई टू का इंटीग्रेशन माइनस कॉट जेड बाई टू, और क्योंकि जेड बाई टू है तो ये टू इधर लगा दिया, प्लस एक इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट।
इस टू से ये फोर है ना, तो यहाँ पे वापस इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ अपने पास किसके बराबर है, कैपिटल एफ जेड, और कैपिटल एफ जेड अपने पास में है ऊपर फर्स्ट नंबर से, वन प्लस आयोटा इंटू एफ जेड। सो एफ जेड विल बी, छोटा एफ जेड विल बी वन प्लस आयोटा, नीचे आ जाएगा इसके अंदर, तो नीचे आएगा तो यहाँ कट गया और ये टू से टू कट गया, टू रह गया नीचे, माइनस हाफ, माइनस हाफ कॉट जेड बाई टू प्लस सी अपॉन वन प्लस आयोटा, और सी अपॉन वन प्लस आयोटा को नया नाम दिया सी डैश, और ये ऐसा का ऐसा ही माइनस हाफ कॉट जेड बाई टू। इंटीग्रेशन का कांस्टेंट निकालने के लिए इसने अपने को कंडीशन दी है कि एफ ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन जेड इक्वल टू पाई बाई टू। सो जब जेड इक्वल टू पाई बाई टू है तो एफ पाई बाई टू बराबर ज़ीरो, तो यहाँ रख देते हैं अपन इसके अंदर कि जेड इक्वल टू ज़ीरो, ए जेड इक्वल टू पाई बाई टू, तो एफ पाई बाई टू की वैल्यू ज़ीरो है, तो जेड बराबर पाई बाई टू रखा तो एफ पाई बाई टू बराबर ज़ीरो, और यहाँ भी रख दो तो माइनस हाफ कॉट पाई बाई फोर प्लस सी डैश। सो सी डैश विल बी वन बाई टू, कॉस कॉट पाई बाई फोर की वैल्यू रख दो, ये वन बाई टू रह गया अपने पास सी डैश की वैल्यू, टेन पैंतालीस वन होता है तो कॉट पैंतालीस भी वन ही हो गया। सो सी डैश बराबर हाफ, सी डैश बराबर हाफ को आप यहाँ रख देंगे एफ डैश जेड में, ए एफ जेड में, सो एफ जेड विल बी माइनस हाफ कॉट जेड बाई टू प्लस हाफ, हाफ दोनों का कॉमन तो वन माइनस कॉट जेड बाई टू। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर एफ जेड की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, और जबकि हमको दिया हुआ क्या है, यू माइनस वी दिया हुआ। शो दैट इफ़ यू वी आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स देन यू वी इज ए हार्मोनिक फंक्शन, कि यू और वी हमको प्रसंवादी फलन दिए हुए हों तो यू वी भी प्रसंवादी होगा, क्योंकि यू और वी हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स हैं इसलिए एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी एनालिटिक फंक्शन होगा, और एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन से यू एक्स बराबर वी वाई एंड यू वाई बराबर माइनस वी एक्स। यू और वी हार्मोनिक हैं इसलिए कंडीशन लगा दी लैपलास इक्वेशन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो नंबर थ्री, एंड डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो नंबर चार। अब थोड़ा सा यहाँ पे अपने को दिमाग से काम करना है कि यू वी को हार्मोनिक दिखाना है, इसका मतलब यू वी लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के हम क्या करेंगे, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ऑफ यू वी एंड डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर ऑफ यू वी, इसके कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ हमारे पास जीरो आ जाती है तो हम सीधा कह देंगे कि यू वी इज़ ए हार्मोनिक फंक्शन। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहीं से चलें, डेल टू यू वी को लिख देंगे कहते हैं डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल वाई डेल एक्स ऑफ यू वी, और ऐसे कैसे इधर डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई ऑफ यू वी, इसके प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, इधर भी प्रोडक्ट ऑफ टू का कर दिया, और इधर से चलेंगे डेल बाई डेल एक्स इस पर ऑपरेट कर दो, फिर वही प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इसके ये दोनों, फिर ये इस पर जाएगा तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे इसकी ये सारी टर्म लगा दी। अब u वाले को साथ रखेंगे और v वाले को साथ रखेंगे तो ये दोनों आ गए, और बाकी जो बच रहा है उसको आप साथ रखेंगे तो ये टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई, ये जो डबल आ रहे हैं ये दोनों अपन ने डबल बना लिए, u के v के ये दोनों कर दिए, और क्योंकि इक्वेशन नंबर ऊपर की जो अपने पास में आ रही है हार्मोनिक फंक्शन की, ये ज़ीरो होती वैल्यू तो ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, और ये अपने पास में इसको चेंज कर देते हैं। इसमें क्या हुआ कि एक तो यहाँ पर ये है डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल वाई, ये इधर आ गई, ये टू यहाँ से हटा देते हैं इसमें से, बस ये आ गई चीज़ हमारे पास। यहाँ पे सी आर इक्वेशंस यूज करो, यू एक्स बराबर वी वाई और वी एक्स बराबर माइनस यू वाई, यू वाई ये ऐसा का ऐसा ही, तो इससे क्या हुआ कि ये दोनों भी कैंसिल हो गए अपने पास, ये सारा जीरो हो गया, ये जीरो होते ही जीरो हो गया, यानी डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ऑफ यू वी प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर ऑफ यू वी इक्वल टू ज़ीरो, एंड यू वी सेटिस्फाइज
the Laplace equation. Therefore, uv is a harmonic function.